हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारी यूनिट चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, बेसिक असम्पशंस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस और डेरिवेशन ऑफ प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। पहला टॉपिक है प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लास्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ, जन्म हुआ या क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, और वहां पर मैंने आपको बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया, उसके लिए अलग अलग लॉ दिए, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने। कब एक्सप्लेन किया? इन 1900 में। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, या कह सकते हैं यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ। इससे पहले तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स 1900 में स्टार्ट हुआ जब मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। इसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आइंस्टीन, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इसके बाद क्वांटम, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, क्वांटम इफेक्ट, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डे बाय डे क्या होता चला गया, डेवलप होता चला गया। और आज के समय में इतनी जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो उसके पीछे बहुत हद तक क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, है ना। तो चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कि जो मैक्स प्लैंक थे इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया और किस तरीके से इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। ध्यान दीजिए, देखिए, इन 1900 मैक्स प्लैंक प्रेजेंटेड अ पेपर टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो 1900 में इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। देखिए, इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन तो किया ही, साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट थे वो क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक, रेडिएशन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह, एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये जो पार्टिकल होते हैं ये किससे बने होते हैं? टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। और आगे देखो क्या बताया कि ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। मतलब जो रेडिएशन के अंदर पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल किससे बने होते हैं? फोटोन से। और फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? फोटोन के पास एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट हुई क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद देखिए इन्होंने और क्या बताया। देखिए यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, इससे पहले तक जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट थे या इससे पहले की जो फिजिक्स थी वहां पर रेडिएशन को वेव कंसिडर किया जाता था। इन्होंने रेडिएशन को क्या माना कि रेडिएशन क्या है? पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इससे पहले तक रेडिएशन को क्या माना जाता था कि वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो यहां पर बहुत सारे चेंजेस आए। अब देखो आगे इन्होंने और क्या कहा। मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड दैट, मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड दैट द करेक्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन इफ द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज नॉट टेकन एज कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखिए इस पॉइंट को समझिए। देखिए इनसे पहले तक जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं होती है, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो होती है, यानी एनर्जी पैकेट के फॉर्म में क्या होती है, फ्लो होती है। तो वही चीज इन्होंने यहां पर बोली, बट इट टेक प्लेस इन डिस्क्रीट अमाउंट। डिस्क्रीट मतलब, डिस्क्रीट का मतलब देखिए क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट का मतलब है कि वो पैकेट के फॉर्म में या बंडल के फॉर्म में क्या कर रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है। और उसके बाद है कि ही ड्राइव अ रेडिएशन लॉ बाय यूजिंग द फॉलोइंग अजम्पशन। अब इसके बाद इन्होंने रेडिएशन फॉर्मूला ड्राइव किया और ये जो रेडिएशन फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव किया, इस रेडिएशन फॉर्मूले से पुराने जितने भी लॉ थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जितने भी लॉ थे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए उन्होंने बताए थे, सभी लॉ में क्या कमी थी वो सब इन्होंने अपने एक ही फॉर्मूले से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए देखते हैं। तो ही ड्राइव रेडिएशन लॉ By using the following assumption, तो यहां पर कुछ assumption इन्होंने पहले assume की और उसके बाद radiation formula को क्या किया, drive किया।
तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए जरा, ही एज दी होम, देखिए बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस। अब इनके हाइपोथेसिस की क्या अजम्पशन थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस। इससे पहले कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना, या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में अटैच होकर आएगा कि क्या अजम्पशंस होती है प्लैंक हाइपोथेसिस की। यानी कि मैक्स प्लैंक ने जब रेडिएशन फॉर्मूले को ड्राइव किया तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए उन्होंने क्या क्या अजम्पशंस ली, वो अजम्पशंस यहां पर लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट अजम्पशन, ही अज्यूम दैट द एटम ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लैक बॉडी बिहेव एज एन ऑसिलेटर। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने अज्यूम किया कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑसिलेटर। अब देखिए पढ़ेंगे ऑसिलेटर क्या है, एंड ईच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और ये जितने भी ऑसिलेटर हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और ऑसिलेट करने के साथ साथ इनकी क्या है फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। और उसके बाद इन्होंने बताया जो ये ऑसिलेटर हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं इनके पास क्या है, एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, पैकेट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पैकेट की फॉर्म में। और आगे इन्होंने देखिए क्या बताया कि जो ऑक्सीलेटर के पास एनर्जी होगी वो पैकेट के फॉर्म में होगी, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई एन इक्वल टू एच न्यू। मतलब यही फॉर्मूला जो इन्होंने यहां पर बताया कि एनर्जी क्या है, पैकेट के फॉर्म में है, और एक जो पार्टिकल है फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू। तो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। चलिए ई इक्वल टू एच न्यू, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए इन्होंने फॉर्मूला क्या बताया, ई एन इक्वल टू एन एच न्यू, ई एन इक्वल टू एन एच न्यू। इसका मतलब अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए एक्चुअल में जो ब्लैक बॉडी के ऊपर जो रेडिएशन है उसकी वॉल पे जो रेडिएशन है, सॉरी एटम्स हैं, उनको इन्होंने ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव किया। ऑक्सीलेटर के पास क्या एनर्जी है, लेकिन ऑक्सीलेटर के पास जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वहां पर कुछ ऑक्सीलेटर ऐसे होंगे जिनके पास एच न्यू एनर्जी होगी, कुछ ऑक्सीलेटर ऐसे होंगे जिनके पास कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू। तो ऐसे ऑक्सीलेटर जिनके पास एच न्यू एनर्जी है यानी कि एक फोटोन है, उसको इन्होंने क्या कहा, इवन मान लिया। इवन मतलब एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑक्सीलेटर होंगे जिनके पास एच न्यू एनर्जी है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑक्सीलेटर होंगे जिनके पास टू एच न्यू एनर्जी है, क्योंकि देखिए डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है कि मल्टीपल में होंगे, और ऐसे भी ऑक्सीलेटर होंगे जिनके पास थ्री एच न्यू एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर मैं एन की जगह वन रख दूंगा, इनकी जगह वन रख दूंगा, तो टाइप वन के ऑक्सीलेटर आ जाएंगे जिनके पास एच न्यू एनर्जी है। अगर हम यहां टू रख देंगे तो टाइप टू के ऑक्सीलेटर आ जाएंगे जिनके पास टू एच न्यू एनर्जी है, और अगर थ्री रख देंगे तो यहां पर वो ऑक्सीलेटर आ जाएंगे जिनके पास थ्री एच न्यू एनर्जी है, और सभी ऑक्सीलेटर के पास जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यू कैसी है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये सारी वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है। तो मेरे ख्याल से सेकंड अजम्पशन आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, है ना, h क्या है, h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, ध्यान रखना h क्या है, यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जो देखिए सिंबल है, ये v नहीं है, ये v नहीं है, ये न्यू का सिंबल है। h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा v के जैसा, ये न्यू का सिंबल है। किसका सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है न्यू, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वी नहीं है, न्यू है। चलिए अब थर्ड अजम्पशन पे चलते हैं, द ऑसिलेटर डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। सेम चीज लिखी है कि जो ऑसिलेटर होते हैं वो डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ब्लैक बॉडी से जब एनर्जी फ्लो करती है, ब्लैक बॉडी से जब एनर्जी फ्लो करती है तो वो किसके थ्रू फ्लो करेगी, ऑक्सीलेटर के फ्लू। यानी कि देखिए जब ऑक्सीलेटर ब्लैक बॉडी से बाहर जाएंगे तो उनके साथ एनर्जी भी क्या होगी, फ्लो होगी। ऑक्सीलेटर के पास डिस्क्रीट एनर्जी है, तो जब एनर्जी फ्लो करेगी तो डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो करेगी। तो यहां पर देखिए वही लिखा है, द ऑक्सीलेटर डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। मतलब ये जो ऑक्सीलेटर होते हैं ये एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करा रहे, बट ओनली इन सर्टेन मल्टीपल ऑफ पैकेट ऑफ एच न्यू वाइल जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि जब ये ऑक्सीलेटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जंप करेंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो करेगी, डिस्क्रीट फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, फ्लो होगी। तो ये इन्होंने अजम्पशन मानी,
प्लैंक हाइपोथेसिस में। अब आगे चलते हैं, इस अजम्पशंस के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को क्या किया, ड्राइव किया। प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला जो आएगा वो एक्चुअल में है क्या, देखिए मैक्स प्लैंक डेवलप ए थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन दैट लीड टू एन इक्वेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। एक्चुअल में यहां पर यह एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एंड दिस इक्वेशन इज इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये जो इनका फॉर्मूला आएगा ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली क्या करेगा, एग्री करेगा, जबकि इससे पहले तक के जितने भी लॉ थे वो कंप्लीटली एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला आएगा वो सभी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली क्या करेगा, एग्री करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले का डेरिवेशन। देखिए तो सबसे पहले देखिए डेरिवेशन हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वी फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। ये जो इन्होंने बताया था कि ब्लैक बॉडी की वॉल्स पे क्या है, प्लैंक ऑसिलेटर है, तो उन प्लैंक ऑसिलेटर की सबसे पहले क्या करेंगे हम, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू। ये न्यू का सिंबल है, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। देखिए तो सबसे पहले यहां पर जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहां पर क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो कैपिटल एन है। तो यहां पर सबसे पहले लेट, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंथी है बस। लेट एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो ब्लैक बॉडी के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उनको हमने मान लिया कि वो कितने हैं, कैपिटल एन है। आगे देखिए नाउ, अब मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है ना, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, तो इनकी टोटल एनर्जी को कितना अज्यूम कर लिया मैंने, ई। अब जरा यहां पर ध्यान देना, एन हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स और ई हमने मान लिया टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक। अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना, ई एवरेज, यानी कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर अगर किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कैपिटल एन है और उनकी टोटल एनर्जी कैपिटल ई है, तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकाला जाता है, देखिए टोटल एनर्जी ऊपर आ जाएगी और नंबर ऑफ ऑसिलेटर नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। ये क्या है हमारी एवरेज एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखिए, तो दिस इज द एवरेज एनर्जी कैपिटल ई अपॉन एन। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन मान लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब यहां पर हमें क्या करना है, कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैपिटल ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और यहां पर लाके हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ये एन नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर को कैलकुलेट करेंगे और ई टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में लाके पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी ऑक्सीलेटर की। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले एन कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर अब ध्यान दे जरा, लेट लेट एन नॉट कॉमा एन वन कॉमा एन टू और डैश 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 एन एन डैश 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 बी द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जीज जीरो कॉमा। अब जरा यहां पर ध्यान दो, हमने क्या माना कि लेट एन नॉट एन वन एन टू डैश 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 एन एन, देखिए यहां पर एन एन का मतलब है, यहां पर जरा इसका मीनिंग समझिए क्या है,
देखो एन जीरो मतलब ऐसे ऑक्सीलेटर जिनकी एनर्जी कितनी है, जीरो है। एन वन वो ऑक्सीलेटर जिनके पास एच न्यू एनर्जी है, एन टू वो ऑक्सीलेटर जिनके पास टू एच न्यू एनर्जी है, और एन एन वो ऑक्सीलेटर जिनके पास एन एच न्यू एनर्जी है। तो यहां पर मैं वही लिख रहा हूं कि एन नॉट एन वन एन टू एन एन बी द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हैविंग एनर्जीज जीरो कॉमा एच न्यू कॉमा टू एच न्यू डैश डैश एन एच न्यू। अब यहां पर जरा ध्यान दो, एन नॉट के पास कितनी एनर्जी है, जीरो। एन वन के पास कितनी है, एच न्यू। एन टू के पास कितनी है, टू एच न्यू। एन एन के पास कितनी है, टू एच न्यू और डैश डैश डैश। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी हो गई रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पर क्या मान लिया हमने कि लेट ये क्या है, एन जीरो क्या है, ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, ये वो ऑक्सीलेटर जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है। भाई ऐसे भी तो ऑक्सीलेटर हो सकते हैं ना जिनके पास कोई एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी का मतलब वो कोई एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। एन वन ये वो ऑक्सीलेटर है जिनके पास एच न्यू एनर्जी है, एन टू जिनके पास टू एच न्यू एनर्जी है, और एन एन जिनके पास एच न्यू एन एच न्यू एनर्जी है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑक्सीलेटर हो गए। अब यहां पर जरा ध्यान दें, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स। अब यहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर लिखने जा रहा हूं, देखिए कितने होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर इन सबको ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर होंगे n, और n की वैल्यू कितनी आएगी, n नॉट प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस। अब ये डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर टू। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू होगी, इससे पहले हमारे पास ये इक्वेशन नंबर वन थी। अब आगे देखो जरा, देखिए n0 क्या है, वो ऑक्सीलेटर जिनके पास कितनी एनर्जी है, जीरो एनर्जी है। n1 वो ऑक्सीलेटर हैं जिनके पास एच न्यू एनर्जी है, और n2 वो ऑक्सीलेटर है जिनके पास टू एच न्यू एनर्जी है। तो हमें यहां पर n0, n1, n2, n3 इन सब की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर यूज किया बोल्ट्जमान लॉ का। नाउ अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान लॉ, देखिए बोल्ट्जमान लॉ क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान लॉ, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स हैविंग एन एच न्यू एनर्जी एट टेम्परेचर टी विल बी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर कितने हैं एट टेम्परेचर टी। तो देखिए क्या था बोल्ट्जमान लॉ, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर एट टेम्परेचर टी, क्या फॉर्मूला है, अब यहां पर जरा ध्यान दें, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर एट टेम्परेचर टी, तो एन एन इज इक्वल टू अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान लॉ नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर एट टेम्परेचर टी, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर है किस टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर, और कौन से ऑक्सीलेटर है जिनके पास एनएच न्यू एनर्जी है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से एन जीरो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन वन भी कर सकते हैं, एन टू भी कर सकते हैं, एन थ्री भी कर सकते हैं, और सबको कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर टू में लाके पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, देखिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एन जीरो कितना आएगा, जरा ध्यान से सुनो, एन जीरो की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, एन जीरो की वैल्यू
देखो एन जीरो का मतलब क्या है कि एन की जगह आपने जीरो पुट करा तो यहां भी एन की जगह जीरो पुट करेंगे, तो जब आप यहां पर एन की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, यानी कि ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो कितना होता है वन, तो इसका मतलब एन जीरो इक्वल टू एन जीरो आ गया, एन जीरो इक्वल टू एन जीरो, यानी कि ऐसे ऑक्सीडेटर जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है वो एन जीरो के इक्वल है। आगे चलते हैं, अब हम एन वन की वैल्यू निकालते हैं, तो वन की जगह एन की जगह वन रखेंगे, तो एन वन देखिए कितना आ जाएगा, अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, एन वन, एन वन आएगा एन जीरो ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी। देखो यहां पर क्या कर दिया, एन की जगह वन पुट कर दिया, तो एच न्यू अपॉन के टी आ जाएगा। आगे चलते हैं, टू पुट कर देते हैं, तो टू पुट करने पे कितना आएगा, एन टू इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर में माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी। और आगे चलते हैं, एन थ्री को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस ई की पावर में माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी। और इस तरह से हम आगे सभी की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, हमने यहां पर क्या किया है, एन जीरो एन वन एन टू इन सब की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ पुट अबव वैल्यूज, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर टू में पुट करने पे क्या मिलेगा, यहां पर जरा ध्यान दे, तो यहां पर हमें मिलेगा एन इक्वल टू, अब देखो सबसे पहला क्या था, यहां पर n इक्वल टू एन नॉट एन वन एन टू एन थ्री वैल्यू पुट कर दे जाए, तो n नॉट की वैल्यू क्या है, n नॉट ही है, प्लस n वन की वैल्यू क्या है, n नॉट e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, प्लस n थ्री की वैल्यू कितनी है, n टू की, n नॉट e की पावर में माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी, प्लस उसके बाद n3 की वैल्यू कितनी है, n नॉट e की पावर में माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसके आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, जरा ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। देखो इसमें पूरे में से n नॉट कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो n इक्वल टू एन नॉट को ले लिया मैंने यहां पर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस यहां पर देखो e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, प्लस यहां पर e की पावर में माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी, प्लस e की पावर में माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अब यहां पर जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है हमारा, कैसे बनेगा मैं भी बताता हूं। देखो एक तो अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो ये एक जीपी है, क्या ये जीपी है, देखो इसको और थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिखता हूं, एन इक्वल टू एन नॉट वन प्लस, अब देखो यहां ई की पावर माइनस में एच न्यू अपॉन के टी है, प्लस ई की पावर माइनस में एच न्यू अपॉन के टी है। देखिए अब मैंने यहां पर टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं होल पावर टू, लिख सकते हैं, देखो क्यों, मान लो यहां पर e की पावर माइनस टू एक्स लिखा है, तो आप इसको e की पावर माइनस एक्स और होल पावर टू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर फिर से e की पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं होल पावर। ऐसे मैं नेक्स्ट टर्म भी लिखूंगा, ऐसे ही मैं नेक्स्ट टर्म भी लिखूंगा, तो देखिये ये क्या आ जाएगा, ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी और इसकी होल पावर थ्री एंड प्लस डैश डैश डैश। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एन इक्वल टू एन नॉट वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर माइनस वन। अब ये कैसे आया देखो जरा, एक्चुअल में यहां पर ये दो तरीके से, दो रीजन है यहां पर, या तो देखो ये जीपी सीरीज बन रही है, आप जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा, या यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम।
जो आपने क्लास 11 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, और अभी हमारे पास जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में भी ये फॉर्मूला आगे आएगा। देखिए क्या फॉर्मूला है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये फॉर्मूला होता है आपका इक्वल टू वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन। तो ये मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है जो आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आगे चल के हम मैथ्स में भी, इंजीनियरिंग मैथ्स में भी इसको पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले को मैंने यहां यूज किया, या फिर आप यहां पर जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो होता है इक्वल टू एस इंफिनिटी, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ ए जीपी सीरीज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाइए, यही आएगा। देखो तो यहां पर अब जरा ध्यान दो, यहां पे x का काम कौन कर रहा है, ये जो क्वांटिटी है x का काम कर रही है। देखो ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x क्यूब हो गया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर ये आएगा। अब इसमें आगे देखो जरा, यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन इक्वल टू एन नॉट देखो एन नॉट अपॉन वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ये क्या किया मैंने, ये मैंने ये पावर माइनस वन थी ना, तो इसको देखिए, अगर किसी मान लीजिए एक्स की पावर माइनस वन है तो इसको आप वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली ये एक्स का काम कर रहा है, इसकी पावर माइनस वन है, इसको मैंने वन अपॉन एक्स कर दिया, यानी नीचे चला गया ये। या फिर देखो अगर आप जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है वन, फर्स्ट टर्म क्या है वन है, और कॉमन रेशियो क्या है ये रहा, तो देखो वन अपॉन वन माइनस आर, तो वन अपॉन वन माइनस आर। आप चाहे जीपी का फॉर्मूला लगा लीजिए या ये लगा लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया यहां पर, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है हमारी, इससे पहले ये इक्वेशन नंबर टू थे, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, तो हमारे पास आ गए, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर। तो अब हम आगे चलते हैं और टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर देखिए कितनी होगी। अब यहां पर जरा ध्यान दे, टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। अब यहां पर देखो, हमारे पास जो N0 टाइप के ऑक्सीलेटर है उनके पास कितनी एनर्जी है, जीरो एनर्जी है। तो N0 टाइप के ऑक्सीलेटर में कितनी एनर्जी हो गई, यहां पर देखो जरा, जो N0 टाइप के ऑक्सीलेटर है इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, जीरो है, तो इनके पास टोटल एनर्जी भी क्या आ गई, जीरो आ गई। प्लस दूसरे टाइप के ऑक्सीलेटर कितने हैं, N1 है, इनके पास कितनी एनर्जी है, इनके पास एच न्यू एनर्जी है। अब एक बात बताओ, N1 टाइप के ऑक्सीलेटर में एच न्यू एनर्जी है, तो उनके पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, N1 इंटू एच न्यू। प्लस अब यहां पर देखो, N2 टाइप के ऑक्सीलेटर के पास कितनी एनर्जी है, 2H न्यू है। प्लस N3 टाइप के ऑक्सीलेटर जो है उनके पास कितनी एनर्जी है, 3 टाइम्स ऑफ H न्यू है, तो यहां पर 3 टाइम्स ऑफ H न्यू आ जाएगा। एंड प्लस ऐसे ही ऐड करते चले जाओ, इनफाइनाइट तक जाएगा ये तो। ठीक, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है। और देखो यहां पर सबसे पहले तो देखो, ये जो वैल्यू है एन जीरो इंटू जीरो, कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। आगे की जो एक्सप्रेशन है, तो ये तो जीरो हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एन वन एच न्यू प्लस, यहां पर टू को पहले लिख लेते हैं, टू एन टू ये एन वन है, एन वन एच न्यू, टू एन टू एच न्यू प्लस थ्री एन थ्री और एच न्यू प्लस डैश डैश डैश। अब इसको आगे और लेके चलते हैं, देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एच न्यू कॉमन आ रहा है, तो पहले मैं एच न्यू को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो एच न्यू आ गया कॉमन। अंदर देखिए कितना बचा, अंदर हमारे पास बच रहा है यहां पर एन वन प्लस टू एन टू प्लस थ्री एन थ्री प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, यहां एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू को पुट करेंगे, एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू तो हमें मालूम है कि n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए तो इक्वल टू एच न्यू, और यहां पर n1 की वैल्यू देखिए क्या है, n1 की वैल्यू हमारे पास n0 e की पावर एच न्यू अपॉन के टी, तो यहां पर n1 की वैल्यू
एन नॉट e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस एन वन, अच्छा टू भी है यहां पर, यहां पर टू भी, टू एन नॉट, देखो टू एन नॉट e की पावर में माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी प्लस थ्री एन नॉट e की पावर में माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी प्लस डैश डैश डैश। तो यहां पर मैंने क्या किया, एन वन की वैल्यू पुट की, एन वन की वैल्यू कितनी होती है एन नॉट e की पावर एच न्यू अपॉन के टी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लिखी है सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। एन टू की वैल्यू पुट करी एन नॉट e की पावर टू एच न्यू अपॉन के टी, एन थ्री की वैल्यू पुट करिए थ्री एन नॉट e की पावर एच न्यू अपॉन के टी। अब इसमें देखो जरा ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, क्या इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, देखो कितना कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो, एच न्यू तो पहले से ही था इन टू, और क्या कॉमन आ रहा है देखो, एक तो एन नॉट कॉमन आ रहा है सब में से, तो एन नॉट को बाहर कर देते हैं, और क्या कॉमन आ रहा है देखो, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी सब में लिखा है, तो e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी सभी के अंदर से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान देना, इसको कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचा क्या, एन नॉट भी आ गया, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी भी आ गया, फर्स्ट टर्म बची वन प्लस, यहां देखो जरा कितना बचेगा, यहां बचेगा टू, और अब जरा ध्यान से सुनो, ये e की पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी था, इसमें से एक एच न्यू अपॉन के टी बाहर चला गया, तो एक तो बच गया ना, यानी कि इसका मतलब यहां पर बचा e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी प्लस, यहां पर जरा नेक्स्ट टर्म में देखो थ्री e की पावर एन नॉट बाहर चला गया, देखो e की पावर माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी, तीन तीन है यहां पर, एक बाहर चला गया तो कितने बच गए, दो बच गए, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी एंड प्लस डैश डैश डैश, ये मेरे पास आ गया। तो यहां तक मुझे लग रहा सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब यहां के बाद अगले स्टेप में देखो क्या आएगा, अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, देखिए चलिए यहीं पर लिखता हूं मैं, देखो e इक्वल टू एच न्यू इंटू एन नॉट इंटू e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी ब्रैकेट, देखो यहां पर अब जरा ध्यान से देखें, देखिए वन प्लस, देखो यहां पर टू e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस थ्री e की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, क्या मैं इसको इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस डैश 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 डैश, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखना जरा मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने इक्वल टू एच न्यू एन नॉट e की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये तो कॉमन था पहले से ही, ये क्या था कॉमन था, यहां पर इसको मैंने देखो यहां पर e की पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी टू था, इस टू को मैं स्क्वायर में ले गया, अगर इसके आगे वाली जो टर्म आएगी उसमें क्या आएगा फोर e की पावर एच न्यू अपॉन के टी की पावर थ्री, ऐसा ही आएगा ठीक। अब यहां पर देखो जरा इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा क्या आने वाला, देखो एक यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा ध्यान से देखो, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसको मैं आगे लिख रहा हूं, देखें क्या आता है, देखें इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू एन नॉट इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, e के पावर में एच न्यू अपॉन के टी और ब्रैकेट में वन प्लस, है ना ब्रैकेट में क्या है वन प्लस टू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, टू ई की पावर, टू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस थ्री ई की पावर माइनस एच न्यू, थ्री e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर थ्री प्लस डैश, ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है लास्ट स्टेप, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, और इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू
एच न्यू इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं अभी, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर माइनस टू। अब ये कहां से लिखा, देखिए अगेन हमने यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा फॉर्मूला यहां लगेगा। देखिए क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और ये फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस टू। दिस इज अगेन बाइनोमियल थ्योरम जो आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं यूज करने जा रहा हूं जो कि बाइनोमियल थ्योरम का है, तो इस फॉर्मूले को जब यहां पर यूज करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखो वन ये क्या है, ये देखो पूरा एक्स का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, दिस इज एक्स। तो ये पूरा जब एक्स का काम करेगा, ध्यान से देखो ये एक्स का काम कर रहा है, तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद फोर एक्स क्यूब आएगा, तो ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का। अब यहां पर देखें जरा, तो ये मेरे पास आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, और इसको लिख देता हूं मैं डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर। And this is the equation number 4. अब देखिए क्या करना है इसके बाद, जरा ध्यान से देखो, इसके बाद हमें E की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ली, हमने N की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, E और N को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। Now put E and N in equation number 1. अब मैं यहां पर E और N को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो E और N को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी, एवरेज एनर्जी। अब देखिए एवरेज एनर्जी कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखें यहां पर, तो मैं एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, देखो नाउ एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी में कैपिटल E ऊपर था तो E की वैल्यू ऊपर आएगी, यानी कि यहां पर जब एवरेज एनर्जी हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा एच न्यू इंटू एन नॉट इंटू E की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन में वन माइनस E की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर टू। ये तो देखो E की वैल्यू आ गई, क्योंकि एवरेज, देखिए E एवरेज का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में E अपॉन N था, तो मैं क्या कर रहा हूं, E की वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने, अब अपॉन में N आएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, N, तो अपॉन में एन आएगा, ई को मैंने लिख दिया, तो अपॉन वाले एन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वन अपॉन एन, कैसे लिख सकता हूं, वन अपॉन एन, है ना, इस तरह से लिख देते हैं, तो इनटू, अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए हमें इसको एन नॉट से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है, एन की वैल्यू क्या है, जरा एन की वैल्यू को ध्यान से देखो, एन की वैल्यू मेरे पास यहां पर है, दिस इज द एन, अब मुझे इस वैल्यू को वहां पर पुट करना है, तो देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर में पुट करना है, तो ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा लेकिन ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि n की वैल्यू को जब आप इसको पुट करेंगे वहां पर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, n नॉट तो आएगा नीचे, n नॉट तो आएगा नीचे, और नीचे वाला आएगा ऊपर, क्योंकि देखिए n नॉट के नीचे वाली क्वांटिटी कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी, और n नॉट के नीचे था क्या, वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये था n नॉट का डिनोमिनेटर। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ तो कैंसिल हो रहा है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर देखो ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, यहां पर पावर 2 थी तो एक पावर यहां से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसके बाद जो बचा उसको मैं लिख लेता हूं, देखिए कितना बचा है, यहां पर हमारे पास बच रहा है ई एवरेज, ई एवरेज इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू ये बचा यहां पर, इंटू ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी बचा, डिवाइडेड बाई वन माइनस ई की पावर में माइनस एच न्यू अपॉन के टी बच गया, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करें, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये जो
ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी ऊपर लिखा है, क्या मैं इसको नीचे ला सकता हूं और सिंप्लीफाई कर लेंगे? इसको नीचे ला सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी पावर पॉजिटिव। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको नीचे ले आऊंगा, तो ई एवरेज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, ई एवरेज इज इक्वल टू एच न्यू ई की पावर में, ये नीचे आ जाएगा तो एच न्यू बचेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एच न्यू अपॉन ई की पावर, ई की पावर में माइनस नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी ब्रैकेट में, देखो ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी नीचे आ जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे ऐसे ही रहेगा, वन माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हम इसको अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ई एवरेज इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस, अब यहां पर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, देखो कैसे, ये e की पावर में, देखो e की पावर में एच न्यू अपॉन के टी और ये माइनस में, यानी कि सीधी सी बात है अगर e की पावर में x हो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें e की पावर माइनस x से, तो ये e की पावर जीरो हो जाएगा और e की पावर जीरो होता है वन, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ये क्या है, दिस इज नोन एज एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। देखिए अभी डेरिवेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ये एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की, ठीक है ना, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, अब हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है उस ब्लैक बॉडी में पर यूनिट वॉल्यूम कितने ऑक्सीलेटर हैं, इसकी हमें रिक्वायर्ड, देखिए हमने एवरेज एनर्जी तो निकाल ली ऑक्सीलेटर की, यानी कि ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी है, अगर हम ये फाइंड कर लें कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, वो हम क्या करेंगे यहां पर कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही कैलकुलेटेड है, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहां पर अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ना यहां पर अब हम कैलकुलेट लिखेंगे द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू प्लस डी न्यू एज ऑब्टेन बाय रेले एंड जींस, ये साइंटिस्ट हैं रेले एंड जींस। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर को कैलकुलेट किया पर यूनिट वॉल्यूम में इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एज ऑब्टेन बाय रिले एंड जींस। अब देखिए कितने इन्होंने कैलकुलेट किए, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू एज ऑब्टेन बाय रिले एंड जींस। ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको क्या किया, कैलकुलेट किया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर भी आ गई, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर पर यूनिट वॉल्यूम भी आ गया, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, है ना। तो अब हम देखिए क्या होगा, नाउ एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं
देखिए इसको हमने किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कैलकुलेट किया है, डी न्यू। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा यू से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, यू से। और ये न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू से डी न्यू की रेंज में किया गया है इसको कैलकुलेट, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू न्यू और डी न्यू। ये हमारा इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी ना, यू न्यू और डी न्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगी। दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई नाउ एच न्यू। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू कितनी थी, एच न्यू अपॉन ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये तो यहां पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये कितना है, एट पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन में सी की पावर थ्री, ये सी की पावर थ्री है, सी के पावर थ्री, सी यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं एज इट इज। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिखता हूं मैं, तो यू न्यू डी न्यू, यू न्यू एंड डी न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एच न्यू अपॉन e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। अच्छा यहां पर सिंपल सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो एट है, पाई है और एच है, एट पाई एच और न्यू यहां पर है, न्यू स्क्वायर यहां पर है, तो न्यू की पावर थ्री हो जाएगी, तो एट पाई एच इसको ऐसे लिखते हैं, एट पाई एच न्यू की पावर थ्री, क्योंकि यहां पर वन है वहां पर टू है, और डी न्यू और यहां पर सी क्यूब भी है अपॉन में, अपॉन में क्या है, सी क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन, और डी न्यू के अपॉन में लिख देते ये वाली क्वांटिटी, तो ई की पावर एच न्यू, ई की पावर में एच न्यू अपॉन ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये इसके अपॉन। एंड नाउ दिस इज द एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, और यही हमारा क्या है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है। दिस इज द प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज द प्लैंक रेडिएशन, दिस इज द प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, दिस इज द प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ न्यू, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होती है, जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है, सी अपॉन लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, और रिलेशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी और लेमडा में, देखो जरा लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इस प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को वेवलेंथ के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, चलिए अब इसी फॉर्मूले को मैं वेवलेंथ के टर्म्स में लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत सिंपल है, आपको फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, तो हम क्या करेंगे, जहां पर न्यू आ रहा है वहां पर सी अपॉन लैम्डा रख देंगे, लेकिन यहां पर डी न्यू भी आ रहा है, इस डी न्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डी न्यू कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा डी न्यू इज इक्वल टू न्यू का डिफ्रेंशिएशन, डी न्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो सी तो कांस्टेंट है, लैम्डा लैम्डा वेरिएबल है, और न्यू और लैम्डा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड डी लैम्डा। देखो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा।
अब इन सभी वैल्यू को क्या करता हूं मैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा एनर्जी डेंसिटी का वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मिलेगा। देखिए तो अब मैं यहां पर सबसे पहले तो देखिए हमारा फॉर्मूला जब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू लैम्डा डी लैम्डा इस तरह से लिखा जाएगा। देखो यहां पर क्या था, डी न्यू था, यहां पर क्या आ जाएगा, डी लैम्डा आ जाएगा और यू लैम्डा। अब यहां पर एक चीज देखो, माइनस ये किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा लेकिन माइनस साइन आएगा। देखो माइनस साइन क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब यहां पर इसीलिए देखो यहां पर माइनस साइन आया, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए हम लिखेंगे माइनस यू न्यू और डी न्यू। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, माइनस साइन आ रहा है 8πh(ν³)c³(into)d³)e^(h²)-1। अब इसको जरा ध्यान से देखें, देखिए यहां पर ये माइनस साइन, अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। माइनस एट पाई एच न्यू का फॉर्मूला सी अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा c³ अपॉन में c³ पहले से ही था, ये c³ into λ³ इंटू, अब यहां पर देखो इंटू, अब मैं यहां पर डी न्यू की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, डी न्यू की वैल्यू माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, अब डी लेमडा और बच गया तो डी लेमडा अपॉन, अब ये भी बचा हमारे पास e^h। अब यहां पर न्यू की जगह क्या रखना है, सी अपॉन लेमडा कर रखना है, तो यहां पर सी और अपॉन में आ जाएगा लेमडा के टी एन माइनस वन। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, जल्दी ध्यान से देखो, c³ से c³ कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, देखिए क्या बच गया हमारे पास, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8π और यहां पर h बचेगा और ये c बचेगा, 8πhc अपॉन में लैम्डा की पावर 2 और लैम्डा की पावर 3 हो गया लैम्डा की पावर 5 इंटू डी लैम्डा अपॉन e^hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। और यही हमारा क्या है यहां पर फाइनली फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक, तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा इस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, यहां पर हमने देखिए एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला था यानी कि प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को वेवलेंथ के टर्म्स में ड्राइव कर लिया और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी ड्राइव कर लिया है। अब इसके आगे एक चीज और बचती है हमारे पास, नाउ देखिए यहां पर प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला क्या है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूले आए हैं इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने वहां पर लिखा है। देखिए नाउ प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया, देखिए इसी को हमने ड्राइव किया 8πh³³c³d³e^hν³ kT-1, इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया यहां पर ड्राइव किया, ये रहा। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया। देखिए कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में दो नंबर में पूछते हैं कि राइट डाउन द प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, तो अगर आपसे 2 मार्क्स में प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को लिखने के लिए बोला है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, और आपसे अगर डेरिवेशन पूछा है तो आप पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना लिखना है। अब इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज बचती है हमारे पास, नाउ डिडक्शन ऑफ वेरियस लॉ यूजिंग प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से जितने भी इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, स्टीफन लॉ, वेन्स फर्स्ट लॉ, वेन्स सेकेंड लॉ, रेले जीन्स लॉ,
और भी लॉ होते हैं, लेकिन इन चारों लॉ की अगर हम बात करें तो चारों के चारों लॉ प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से क्या हो सकते हैं, ड्राइव हो सकते हैं। तो हमें चारों ड्राइव नहीं करने, दो इंपॉर्टेंट है, जो दो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहां पर प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, नाउ पहला वेन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। इसके लिए आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप यहां पर ये जो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है ना, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा वेवलेंथ के टर्म्स है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया एज इट इज। अब यहां पर जरा ध्यान दो, इससे पहले हमने वेन्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, वेन्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में वेन्स लॉ पढ़ा था, वहां पर वेन्स लॉ की लिमिटेशन क्या थी, वहां पर वेन्स लॉ की लिमिटेशन ये थी कि अगर वेवलेंथ स्मॉल है तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है, और अगर वेवलेंथ लार्ज है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब यहां पर जरा आ जाते हैं वापस, देखिए फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जब वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है या शॉर्टर है, तो व्हेन लैम्डा इज स्मॉल। अब देखिए अगर लैम्डा स्मॉल होगा तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी है, अगर लैम्डा स्मॉल है, लैम्डा क्या है, स्मॉल है, मान लेते हैं लैम्डा जीरो है, भाई स्मॉल का मतलब जीरो भी हो सकता है या 0.1 या 0.2 होगा, ऐसा कुछ होगा, क्लियर है। तो लैम्डा क्या है, स्मॉल है, मैं जीरो मान रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं होगा, 0.1 0.2 ऐसे कुछ होगा। देखिए अब e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी है, अगर हम यहां पर e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी है, अगर इस लैम्डा को मैं स्मॉल मानू, तो यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल, और ऊपर की वैल्यू लार्ज है, तो अगर आप लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, यानी कि e की पावर जो होगी, e की पावर क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर e की पावर लार्ज हो गई, तो आप जरा यहां पर ध्यान से सुनो, अगर e की पावर लार्ज हो गई तो e की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, यही लिखा, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो इसके सामने इस वन की कोई वैल्यू बचेगी नहीं, वन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, तो इसको वन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो वही लिखा है कि e की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी इज वेरी वेरी लार्ज या ग्रेटर देन वन, अगर ये वन से बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहां से वन को नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या, 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी। और अगर आपको याद है तो यही फॉर्मूला होता है वेन्स लॉ का, यही लॉ है वेन्स लॉ। तो अब आप देखिए वेन्स लॉ कहां से ड्राइव हो गया, प्लैंक्स लॉ से, यानी कि अगर हम प्लैंक्स लॉ हाइपोथेसिस में प्लैंक्स लॉ फॉर्मूले को या प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले में अगर लैम्डा की वैल्यू को स्मॉल कर दें तो हमारा वेन्स लॉ आ जाता है। और वेन्स लॉ की यही, देखिए वेन्स लॉ में हमने यही पढ़ा था कि जो वेन्स लॉ होता है ना वो स्मॉल वेवलेंथ के लिए तो वैलिड है लेकिन लार्ज के लिए वैलिड नहीं है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। तो दिस इज द वेन्स लॉ एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व, ये हमारा क्या था, वेन्स लॉ था। एक और देखिए रिले जीन्स लॉ, और ये वाला जो लॉ था इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि केवल ये लार्ज वेवलेंथ के लिए वैलिड था, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वैलिड नहीं था। और जबकि पिछले वाला जो लॉ था वो शॉर्ट के लिए वैलिड था लेकिन लार्ज के लिए वैलिड नहीं था। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो रिले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला मैंने दोबारा से लिखा। अब यहां पर देखो, अब क्योंकि लैम्डा लार्ज है, इस बार लैम्डा की वैल्यू क्या है, लार्ज है। अब एक बार बताइए, अगर e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी लिखा है और लैम्डा अगर लार्ज है, लैम्डा अगर लार्ज है तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और अगर ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अब आप देखिए अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सीधी सी बात है अगर आप बड़े नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल नंबर बहुत छोटा आएगा, और अगर ये ओवरऑल नंबर छोटा आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। लेकिन इस बार हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, स्मॉल जरूर होगी लेकिन नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर वन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अब जरा यहां पर ध्यान देना। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स में एक सीरीज होती है ई की पावर एक्स की सीरीज, क्या होती है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। इस सीरीज का यूज करेंगे यहां पर, देखो यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो अगर यही सीरीज मैं इसमें लगा दूं तो देखो क्या आ जाएगा, e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज इक्वल टू वन प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, एच सी अपॉन लैम्डा के टी एक्स आ गया, प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी का होल स्क्वायर और इंटू में वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे कि लैम्डा लार्ज है, अब यहां पर आ जाओ,
अगर ये लैम्डा लार्ज है, देखो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये लैम्डा लार्ज हुआ तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद कोई भी वैल्यू अगर बड़ी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और ज्यादा बड़ी होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल, और किसी स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाती है। जैसे आप 0.2 का स्क्वायर करो तो 0.04 हो जाएगा, और छोटा नंबर हो गया। तो सिमिलरली ये क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो e की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी कितना बचेगा, 1 plus SC upon lambda kT। तो देखो वही किया है, e की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू 1 plus SC upon lambda kT। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, और यही हमारा क्या था, रिले जीन्स लॉ था। तो आपने देखा प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी वैलिड है और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए भी वैलिड है, और एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई लॉ थे उनको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला जो था हमारा, या प्लैंक रेडिएशन थ्योरी थी, उसने क्वांटम, जो हमारे पास ये टॉपिक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया किसने, प्लैंक्स थ्योरी ने। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लैंक्स मैक्स प्लैंक्स थे इनका कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में, मतलब इन्होंने ही क्वांटम मैकेनिक्स की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पर क्वांटम जो हमारे पास जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है ना, प्लैंक्स थ्योरी जो हमने आज आप पढ़ी है, उसके ऊपर बेस्ड यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले भी AKDU यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। जैसे राइट डाउन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस, तो 3 अजम्पशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही आसान अजम्पशंस हैं, उनको आप तीनों अजम्पशंस को ध्यान से पढ़ लेंगे ना। उसके बाद ड्राइव द प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन यहां पर मैं क्योंकि कर रहा था तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। हाँ लेंथी तो है, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी 2-3 बार तभी आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको डेरिवेशन को करने में। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम इफेक्ट। देखिए इसके बाद के जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक था ये, अब इसके आगे का पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।